मुरादनगर के खिमावती गांव में रात को फोन आता है। हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे राजनगर में कि खिमावती गांव में घटना हो गई। घटना सुन के मतलब ऐसे हो गया, एकदम स्पीचलेस सुन हो गई मैं, सुन एकदम। घटना थी, एक छोटी 4 साल की बच्ची बिस्किट लेने के लिए गई, क्योंकि उसको 5:15 बजे ट्यूशन जाना होता था, तो 4:45 बजे वो गई बिस्किट लेने। और सामने ही दुकान थी, मुश्किल उसके घर से 150-200 मीटर दूरी पर, और उसी बीच में एक खंडर पड़ता है। जैसे लोग गांव छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं ना, कहीं शहर में रहने लग जाता है, इसी तरीके से एक खाली घर था। तो वहां वो लड़की, उसको रास्ते में से वहीं किसी ने उठा लिया, और जिस व्यक्ति ने उठाया है वो व्यक्ति भी उसी गांव का है। और उस छोटी 4 साल की पूरी नहीं हुई थी वो बच्ची, छोटी बच्ची को उठा लिया, मुरादनगर की बात है ये, खिमावती गांव की, और उस बच्ची के साथ में पता नहीं क्या क्या तो किया होगा। उसके बाद उसका सर पकड़ के दीवार में दे दे करके मारा, दीवार में, यहां से ब्लड उस बच्ची के था। हम लोग रात को जैसे ही हमें पता चला, हम लोग तुरंत वहां पहुंचे, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, पूरे गांव की भीड़ सड़क पे थी, एक एक आंखें नम थी उस टाइम पे भी। चाहे घटना कर्नाटक नेहा की हो या छोटी बच्ची की हो, मैं उस बच्ची का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे नाम लेना चाहिए। नेहा वाली घटना का तो बहुत चर्चित हो गया, तो न्यूज में नाम भी आ रहा है। तो उस बच्ची को सर में चोट मार मार के उसको जान से मार दिया। उसके बाद उसका परिवार जब उसको ढूंढ रहा है तो वो मिली नहीं है, कि अभी तक लड़की आई नहीं, पूरे गांव में ढूंढ लिया, और घर के 50-100 मीटर की दूरी पे वो बच्ची पड़ी, मरी हुई पड़ी। और उसके बाद मारने के बाद, कि ताकि कोई ढूंढे तो मिले भी ना, उसको एक कपड़े से ढक दिया, उसके ऊपर वो होती है ना, मकान था वो टूटा सा, तो सिल्ली होती है ना, बोलते हैं हमारे यहाँ पटिया बोल देते हैं, जैसे गाटर पटिया के पहले मकान बनते थे ना, वो पटिया से उसको ढका हुआ लड़की को, पहले कपड़े से और फिर पटिया से, इतनी छोटी सी थी तो एक पटिया में वो ढक गई थी लड़की। और फिर वो लेट नाइट जब मिली, वहां पूरी पुलिस पहुंच गई, और वहां पर उसी गांव के रहने वाले प्रमुख साहब का बेटा इतना शोर शराबा कर रहा, उन्हें ऐसे टाइम पे भी राजनीति सूझ रही थी, मैं हैरान थी कि ऐसे मौके पे भी लोग राजनीति कर सकते हैं, ऐसे दुख के मौके पे राजनीति लोग कैसे कर लेते हैं। वो नहीं चाह रहे थे कि चीजें बाहर आए, किसने बच्ची को इस हालत में किया, कैसे किया, कौन है वो व्यक्ति, उसका नाम तक नहीं आने दे रहे थे। हालांकि एक व्यक्ति पकड़ लिया, वो बंदा पकड़ लिया, एक ही बंदा था शायद इस पूरे मैटर में, लेकिन उसको पकड़ लिया, लेकिन उन लोगों ने उस व्यक्ति का नाम तक भी बाहर नहीं आने दिया। हालांकि नाम बाहर अब आ चुका है, पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है। क्यों भाई, क्यों आप राजनीति करते? 5 बजे की घटना ये थी, 5:30-6 बजे तक लोगों को, सब पूरे गांव को पता लग गया था ऐसे ऐसे हो गया। वहां के जो मौजूदा विधायक हैं वो नहीं पहुंचे थे वहां, वो कब पहुंचे? जब उन्हें पता लगा कि विपक्ष के कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोग विपक्ष के हैसियत से नहीं गए थे, हम लोग गए थे, एक बेटी की मामला है और सबसे शर्मसार मामला है। और जब बेटियों का मामला होता है तो हम सिर्फ ये नहीं कि अपनी समाज की बेटियों के लिए करते हैं, हर ऐसे मुद्दे को उठाते हैं, आप लोग सभी जानते भी हो। और ये बेटियों के साथ जब होता है तो बड़ी गंभीर विषय हो जाता है। और कह रहे कि मतलब आपको यहां नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं आते भाई, हमारा परिवार है, हमारे समाज की भी बेटी है, वो हमारे समाज की बेटी, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारे देश की बेटी है। जहां जहां पॉसिबल होता है, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का मामला लगा लीजिए, चाहे वो दिल्ली नागलोई वाली बेटी का मामला लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी मामला लगा लीजिए, चाहे वो हाथरस का मामला लगा लीजिए, औरैया का मामला लगा लीजिए, चाहे वो अंकिता का मामला लगा लीजिए, हम लोग जाते हैं। विधायक जी सिर्फ इसलिए वहां पहुंचे ताकि उस चीज को शांत किया जा सके। कैसे, जब किसी के मतलब एक बाप है, बाप को बेटियां है ना माँ से भी ज्यादा प्यारी होती है, वो बाप एकदम मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊं उस पूरे परिवार का ही नहीं, पूरे गांव का, पूरे गांव में सिर्फ ये जो है दो शख्सियत थी जिनको ऐसे मौके पे राजनीति सूझ रही थी कि बस उन लोगों को बचाया जा सके, बिल्कुल। और हम लोग वहां ज्यादा इसलिए नहीं बोले क्योंकि हमें नहीं बोलना अच्छा लग रहा था वहां पे ज्यादा, क्योंकि इतने दुख के माहौल में परिवार था, बच्ची की शरीर वहीं था,
हमारे सामने उसको एम्बुलेंस में लेके गए, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें नहीं बोलना चाहिए, वही हमने किया। क्योंकि जो जिनको राजनीति सूझती है तो वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, वो राजनीति करते हैं। तो मतलब मैं इस बात पे वीडियो कल रात भी मैं 9 बजे सोच रही थी मैं इस बात पे लाइव करूंगी, नेहा वाले बात पे मैं लाइव करूंगी, इस बच्ची वाली बात पे भी। लेकिन मैं कल भी लाइव, मतलब इतना ज्यादा शॉक लगा, मैं 2 दिन से तो प्रचार में भी नहीं गई, मुझे फीवर हो गया सिर्फ इसी दुख की वजह से कि मतलब मैं डिस्टर्ब इतनी कि एक तरफ आप बेटियों की बात करते, मैं सबके लिए बोल रही हूँ ये बात, एक तरफ इस तरीके की चीजें होती है, क्यों नहीं बलात्कार पे, बलात्कार जैसे मुद्दों पर हम बिल लेकर के आते? सिर्फ इसलिए कितने सारे आरोपी, कितने सारे बलात्कारी सांसद हैं, बेल पे छूटे हुए हैं, विधायक हैं, सिर्फ इसलिए क्यों? मेरा दोनों ही मुख्यमंत्रियों से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन है कि आपके संज्ञान में शायद ये बात नहीं डाली हो, क्योंकि वो लोग छुपा रहे हैं यहाँ की बात को, तो आप उसको सख्त से सख्त सजा कराना। और मेरा कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी निवेदन है, हालांकि उनको पकड़ उसको भी लिया, दोनों को ही पकड़ लिया, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों की रूह कांपे, ऐसा करने से पहले, ऐसा सोचने से पहले कुछ ऐसा हो। मेरा दोनों ही स्टेट के उनसे निवेदन है, मुख्यमंत्रियों से, दोनों से ही न्याय मिलना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा डॉक्टर प्रियंका वाला केस हुआ था, डॉक्टर प्रियंका वाला, मैं सैल्यूट करती हूँ वहां के पुलिस को, सैल्यूट करती हूँ। और देखो वहां से कोई ऐसी चीजें सुनने को नहीं आ रही, कुछ भी ऐसी चीज सुनने को नहीं आ रही वहां से। इसीलिए मेरा निवेदन है, इस पर राजनीति ना करें, ना कोई राजनीति इस मुद्दे पर चर्चा करें, बस बेटियों को इंसाफ दिलाए। बेटियों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की बेटी हो, कोई भी बेटी हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, इतना आप जान लें। अरे आप राज और नीति, इसका मतलब क्या है? आप राजनीति को राजनीति करके ही जीते हैं, इसको सेवा नीति करके जिए, जी करके देखिए, आप कभी सत्ता में से नहीं हटोगे, चाहे कोई भी हो, आप कभी एमपी एमएलए की कुर्सी से नहीं हटोगे अगर आपने राजनीति को सेवा नीति करके जिया। बस मेरा यही निवेदन है दोनों सूबे के मुख्यमंत्रियों से कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो फांसी पे, चौराहे पे लटका दिया जाए जिससे सदियों तक लोग याद रखें कि बेटियों का बलात्कार करने वाले, बेटियों की हत्या करने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है भारत में, तो हमें ऐसा नहीं करना। इस तरीके का खौफ हो जाना चाहिए ऐसे दरिंदों के दिमाग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, आप अपने बच्चों को अकेला मत भेजिए, क्योंकि इस देश में क्या चल रहा है आप सब जान रहे हैं। आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अकेला मत भेजिए, ट्यूशन भी मत भेजिए। 2 बिस्किट के पैकेट भी उस बच्ची के हाथ में ही थे, उसकी दादी बिलक बिलक के रो रही थी, बहुत बुरी हालत थी। मेरा निवेदन है वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें, खूब ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी बात पहुंच सके जहां तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ, एक एक कोने में देश के बात पहुंच जाए कि अपनी बेटियों को अकेला मत भेजा करो, छोटी बच्चियों को, बड़ी बड़ी बेटियों के भी साथ ऐसी चीज होती है, लेकिन छोटी बच्चों को तो बिल्कुल मत भेजिए। ध्यान रखिए आप अपना और अपनी बेटियों का।